हाय गाइस, मैं हूं आपका आर्किटेक्ट अमन मित्तल और आज मैं दूंगा आपको एडवाइस रिगार्डिंग एस्टीमेशन। अगर आप कोई भी डिज़ाइन या कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो स्टार्टिंग में जो आपके पास एस्टीमेशन आती है वो एक रफ एस्टीमेशन होती है पर स्क्वायर फीट के बेसिस पे, या जो भी आपने आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर अपॉइंट करा है उसका उनका एक रफ एस्टीमेट होता है रिगार्डिंग योर डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन। अगर आपको एक प्रॉपर एस्टीमेट चाहिए तो ये प्लीज़ इंश्योर करिए कि जो भी आप डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं उसके फ्लोर प्लान्स एटलीस्ट फ्लोर प्लान्स रेडी हों, तभी एक हमारा अच्छा एस्टीमेट निकल सकता है। और भी ज़्यादा डिटेल्ड एस्टीमेट के लिए आपको सारी डिज़ाइन ड्राइंग्स, सारी इंटीरियर की ड्राइंग्स, सारी फॉल सीलिंग, आपकी फर्नीचर की एलसीडी यूनिट, अलमीरा ड्राइंग्स, ये सारी रेडी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा पर स्क्वायर फीट के बेसिस पे एक रफ एस्टीमेट। उसके बाद सेकेंड स्टेज का जो एस्टीमेट आता है वो फ्लोर प्लान्स रेडी होने के बाद आता है। और एक अच्छा डिटेल्ड एस्टीमेट होने के लिए हमारे पास सारी ड्राइंग्स रेडी होनी चाहिए। तो आप कोई भी डिज़ाइन या कंस्ट्रक्शन प्लान कर रहे हैं, स्टार्ट करवा रहे हैं, और बीच में अगर आप स्टार्टिंग में आर्किटेक्ट से पूछते हैं या डिज़ाइनर से पूछते हैं कि एस्टीमेशन क्या है, तो वो जो भी एस्टीमेशन आपको देंगे एक रफ एस्टीमेट होगा। उसको आप पत्थर की लकीर मत समझिए, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़रूर होएगा। तो आप कोई भी एस्टीमेशन आपको अच्छी तरीके से चाहिए तो इंश्योर करिए आपके फ्लोर प्लान्स रेडी हों। थैंक यू।